हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सतीश धवन विंड टनल कॉम्प्लेक्स के बारे में। हाल ही में इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में दो इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया है। पहला है हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसका साइज 1 मीटर का है और ये मैक 6 से मैक 12 तक के एयर फ्लो को सिमुलेट कर सकता है। दूसरा है शॉक टनल, इसका भी साइज 1 मीटर का है और ये 4.5 किलोमीटर/सेकंड के एयर फ्लो को सिमुलेट करता है। ये दोनों फैसिलिटीज इसरो के पूर्व साइंटिस्ट प्रोफेसर सतीश धवन को समर्पित हैं, जिन्होंने विंड टनल और एयरोस्पेस की फील्ड में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम, ह्यूमन स्पेस व्हीकल और री एंट्री व्हीकल को डेवलप कर रहा है। इन सब मिशन में एक बात कॉमन है, ये सब मिशन हाइपरसोनिक स्पीड पर ऑपरेट होंगे। ऐसे में जब अंतरिक्ष यान वायुमंडल से बाहर जा रहा होगा या फिर उसमें प्रवेश कर रहा होगा, उस समय यान पर बहुत ज्यादा एरोडायनामिक फोर्स पड़ता है और साथ ही साथ एयर फ्रिक्शन के कारण यान की सतह का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से पार चला जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि यान का डिजाइन और फैब्रिकेशन बहुत बेहतरीन हो, और यहीं पे ये दोनों फैसिलिटीज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। इस फैसिलिटी का सबसे खास बात यह है कि इसे इसरो ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है, वो भी बिना किसी फॉरेन इंडस्ट्री की हेल्प मांगे, और ये अमेरिका और रशिया के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हाइपरसोनिक विंड टनल है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।